हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखेंद्र और आप सभी का हार्दिक पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका मान कैसे निकलेंगे यही सिखाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे रेजिस्टेंस पर आपको इस तरह का कुछ कलर देखने को मिल जाएगा। इस कलर से ही आप लोगों को निकालना होगा इसका मान क्या है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं पहले देखिए देखिए दोस्तों, मैंने कुछ रेजिस्टेंस रखा है, ठीक है। तो इसका मान कैसे हम लोगों को निकालना है वही मैं दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन सा कलर कितने नंबर का है, कितना मान है उसका, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये फोर कलर रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कलर ब्राउन है, एक कलर फर्स्ट कलर ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है, तीसरा कलर रेड है और चौथा कलर गोल्ड है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कौन सा कलर कितने नंबर है। तो चलिए मैं यहाँ पर ही आप लोगों को दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ, पहले आती है ब्लैक, तो ब्लैक होगा जीरो। तो देखिए इसके बाद आएगा ब्राउन, फिर दोस्तों ब्राउन आएगा वन, देखिए दोस्तों इसके बाद आएगा रेड, आएगा टू, इसके बाद दोस्तों देखिए आएगा ऑरेंज, दोस्तों ऑरेंज होगा थ्री। देखिए दोस्तों, इसके बाद आएगा येलो, येलो होगा फोर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ग्रीन होगा, तो ग्रीन आएगा फाइव, इसके बाद ब्लू, दोस्तों ब्लू होगा सिक्स। तो देखिए इसके बाद आएगा वायोलेट, तो वायोलेट आएगा सेवन, दोस्तों देखिए इसके बाद आएगा ग्रे, ग्रे होगा एट, और व्हाइट होगा नाइन। तो देखिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ, देखिए ब्लैक जीरो है, ब्राउन वन है, रेड टू है, ऑरेंज थ्री है, येलो फोर है, ग्रीन फाइव है, ब्लू सिक्स है, वायलेट सेवन है, ग्रे एट है और व्हाइट नाइन है। दोस्तों इसको आपको नोट कर लेना है, इसको आपको हमेशा ज़रूरत है, ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, मैं दिखा देता हूँ आप कैसे ढूंढेंगे किसी रेजिस्टेंस को मान क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस उठा लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ब्राउन है, तो ब्राउन का मान कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्राउन का मान वन है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर ब्लैक है, तो ब्लैक का मान क्या है, जीरो, तो मेरे को यहाँ पर जीरो बैठा देना है। देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, रेड है, दोस्तों रेड के मान दो है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, दोस्तों देखिए ये मैंने फोर्थ कलर रेजिस्टेंस को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं फाइव कलर और सिक्स कलर भी दिखाऊँगा, तो मैं फोर्थ कलर रेजिस्टेंस को मान कैसे ढूंढेंगे वही दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। ये फोर्थ कलर रेजिस्टेंस है, तो देखिए
ब्राउन 1 ब्लैक 0 और इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर रेड है तो रेड का मान होगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये होगा, इसके बाद क्या होगा इक्वल टू स्केल टू 1000, तो क्या होगा देखिए मान आएगा यहाँ पर 1, तो ये क्या 1K ohms। ठीक है दोस्तों, ये ohms आया था, इसको मेरे को क्या करना है किलो ohms पर कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है 1000 पर इक्वल टू कर देना है, ठीक है डिवाइडेड कर लेना है ohms को। जब मैं हम लोगों ने डिवाइडेड करेंगे 1000 देखे तो क्या होगा वो किलो ohms आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये ohms resistance है, देखिए दोनों ऑरेंज है तो क्या होगा दोनों 3, इसके बाद क्या है रेड, रेड के मान क्या होगा 0। देखिए दोस्तों इसको क्या करना है डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, इसके बाद क्या होगा देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों 3.3 किलो ओम्स। देखिए दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये 3.3 किलो ओम्स। और दोस्तों देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये ओम्स रेजिस्टेंस है तो इसी को ही मैं पहले दिखा देता हूँ। और देखिए दोस्तों इसके बाद कलर भी आपको मिल जाएगा, फोर्थ कलर जिसे कहते हैं वो है गोल्ड, ठीक है तो गोल्ड का मान मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों फोर्थ कोड में दोस्तों गोल्ड सिल्वर, ये दोस्तों गोल्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 5%, और सिल्वर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 10%। तो ये क्या है 3. देखिए दोस्तों ये क्या है 1 kilo ohms, 1 kilo ohms पॉजिटिव नेगेटिव 5%, और ये भी 3.3 kilo ohms पॉजिटिव नेगेटिव 5%। तो देखिए दोस्तों ये जो सारा रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है, ठीक है ये क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस है दोस्तों, देख सकते हो ये क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस है। और देखिए दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये है हाफ वाट रेजिस्टेंस है, तो क्वार्टर वाट कैसे आता है 1/4, और ये जो हाफ वाट है ये कैसे आएंगे 2/1। ये दोस्तों इसे हाफ वाट कहते हैं, इसे क्वार्टर वाट कहते हैं। तो चलिए इसका मान निकाल के दिखा दूंगा, देखिए इसके पहले क्या है ब्राउन, तो ब्राउन का मान 1 है, इसके बाद ब्लैक इसका मान 0 है, फिर इसके बाद क्या है ब्राउन, तो इसका मान क्या होगा 1 0 होगा। देखिए तो क्या हुआ 100 ohms हाफ वाट देख सकते हो, ये भी प्लस माइनस 5%। देखिए दोस्तों इसको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है पहले ब्राउन है, उसके बाद ब्लैक है, इसके बाद क्या है ऑरेंज, क्या होगा 3 0 हो जाएगा। इसको क्या करना है मेरे को 1000 के डिवाइडेड बाई कर लेना है, तो क्या करना है
देखिए ये क्या है, 10 के ओम्स प्लस माइनस 5% 1/4 वाट, क्वार्टर वाट। ठीक है, तो ये है 10 किलो ओम्स क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।